पुलिस ने कैसे उसको रिकवर किया? ठीक है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा चलाए गए अभियान के क्रम में सीओ कोतवाली महोदय के निकट परीक्षण में थाना लोहिया नगर पुलिस द्वारा एक शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई है, जिसमें एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। उसका नाम उमर दराज है। इस शस्त्र फैक्ट्री में करीब 20 हमें तमंचे मिले हैं तथा 6 अर्धनिर्मित तमंचे मिले हैं। इसमें उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री भी इसमें बरामद हुई है, जिसे तमंचे बनाते थे। इस व्यक्ति के ऊपर करीब 1 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत थे। इसके ऊपर पहले भी 2 बार ये शस्त्र फैक्ट्री में ही जेल जा चुका है हापुड़ से। इसके ऊपर लूट में ये नोएडा से भी जेल जा चुका है। इसमें करीब इसमें पूछताछ में इसके द्वारा बताया गया कि ये जो हमारे अग्रिम जो आगामी चुनाव आने वाले हैं लोकसभा के, उसमें तमंचों की डिमांड बढ़ जाती है, तो इसमें इसने अब सप्लाई बढ़ाने के लिए इसने फिर से अपना काम स्टार्ट कर दिया था। ये करीब एक तमंचा करीब 7 से 8 हज़ार रुपये के रेट में बेचता था। ये अपनी जगह चेंज करता रहता था लगातार, इसलिए पुलिस को पकड़ने में भी इसमें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी है इसमें। और लेकिन जो और इसमें पूछताछ की जा रही है, इससे काफ़ी और भी अन्य जानकारी इससे प्राप्त हुई है, उसमें अब कार्रवाई की जाएगी। अब इसको अभी माननीय न्यायालय के सामने पेश करके इसमें अग्रिम विधि कार्रवाई की सर, जा रही है। कैसे ऑर्डर होता था और कैसे सप्लाई करते थे और कहाँ सप्लाई करते थे? जैसे कि मैंने बताया कि इसमें इसके द्वारा फ़ोन पे जैसे व्हाट्सएप कॉल ये लोग यूज़ करते हैं, इसमें इसको कॉल आती थी। इसमें अब इसमें पूछताछ की जा रही है। इसमें जैसे मैंने बताया, इसमें और भी अन्य जानकारी दी है कि कौन इसको सप्लाई करता था, कौन इससे किस इससे खरीदता था, उसमें कार्रवाई की जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।